अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू तरन्नुम किचन। बाहर से तो आप सबने बहुत बार खाया है, अब वही टेस्ट और वही एकदम बाजार से ऐसा ही सॉफ्ट सॉफ्ट स्टीम कीमा टाइप ऑफ बन बनाएंगे बहुत ही आसानी से, वो भी कम खर्चों में, और जितना टेस्टी है उतना ही हेल्दी भी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, एकदम बन के जैसा ही। तो क्यों ना आप सभी स्टीम कीमा टाइप ऑफ बन बनाएं घर में ही बहुत ही आसानी से, और बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कीमा टाइप ऑफ बनाने के लिए एक बोल लिया है, और इस बोल में हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब, मैंने यहाँ पर लिया है ड्राई ईस्ट, वो डाल देंगे इसके अंदर। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे, और फिर इसमें हम डाल देंगे हल्का सा गुनगुना पानी डालेंगे करीब, यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब मैंने पानी डाला है। इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें चीनी भी है तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक अंडा, अगर आप अंडा पसंद नहीं करते हैं तो बिना अंडा के भी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आप इसमें 1/4 चम्मच के करीब इसमें डाल दीजिए आप बेकिंग पाउडर। अब इसको हम साइड रखेंगे, और यहाँ पर हम लेंगे एक बोल। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, तो मैंने मैदा 250 ग्राम के करीब लिया है, और इसमें हम डाल देंगे अच्छे से। और मैंने इसको छान लिया है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस मैदा को हमें ड्राई ईस्ट वाला पानी से इसका हम डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम इसे डालकर इसका डो तैयार करेंगे, एक ही बार में नहीं डालेंगे। इसे डालकर पहले चम्मच से हम मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो तैयार करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देने से क्या होता है कि डो जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो हमें सॉफ्ट डो बाद में हमें चाहिए, पहले हमें टाइट डो तैयार करना है। टाइट डो तैयार करके रखेंगे तभी हम सॉफ्ट डो हमारा रेडी होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही टाइट सा हमारा यहाँ पर डो जो है हमने तैयार कर लिया है, इस तरीके से हमें चाहिए टाइट डो। तो बस इसको रखेंगे हम करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए, जिससे कि हमारा जो है डो सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक बोल लिया है, और इसमें हम डालेंगे 2 स्टार मसाला, और 10-20 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, और इसके अंदर हम डाल देंगे गर्म पानी। आप सब ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं इसका क्या करूँगी, तो इसको आप आगे देखते रहिए इसका मैं क्या करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने तो पहले गर्म पानी डाल दिया है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे जिससे ये अच्छे से फूल जाए। अब तो चलिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बोल, और इस बोल में हम डाल देंगे कीमा। तो आप कोई सा भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है, चिकन हो मटन हो। तो यहाँ पर हम लेंगे कीमा, तो मैंने कीमा लिया है 250 ग्राम है कीमा। और कीमा में हम डाल देंगे, मैं सबसे पहले तो डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर है तो आपके पास तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं। काली मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं इसमें। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सोया सॉस डालेंगे, इसके अंदर हम 2 चम्मच डालेंगे, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे इसके अंदर, और फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 3-4 चम्मच के करीब डाल देंगे इसके अंदर हम तेल, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चर्बी कम है इसलिए मैं तेल डाल रही हूँ। अगर आपके पास चर्बी वाला कीमा है तो आप तेल बिल्कुल भी ना डालें। तो यहाँ पे तेल डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, और जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से मैंने यहाँ पे मिला लिया है। अब मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे, इसके अंदर हमने 4-5 प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे इसके अंदर, और इसे भी डालकर हम अच्छे से थोड़ा सा इसको मिला लेंगे हम। और जैसे कि देख रहे हैं मैंने प्याज को भी इस कीमा में अच्छे से मिला लिया है। तो अब आप सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब मैंने यहाँ पे स्टार मसाला और काली मिर्च के साथ क्या करने वाली हूँ तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से फूल गया है, अब क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और 1 कप में हम इसको छान लेंगे अच्छे से। तो हमें इसका पानी की ही ज़रूरत है, इसको स्टार मसाला और इसको हम साइड कर लेंगे, बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो इस पानी को हम डाल देंगे कीमा के अंदर, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, आप जब भी बनाएं तो घर में इसका आप टाइप ऑफ में टेस्ट बहुत ही बढ़िया कर देता है। तो इसको अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे, और बस इसको साइड करेंगे। और हमारा जो डो है वो भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, जैसे कि देख सकते हैं टाइट डो हमने तैयार किया था, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसके हम छोटी छोटी लोई इसको तैयार कर लेंगे, छोटी छोटी लोई में हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से मैंने यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे हम छोटी छोटी लोई तैयार कर लेंगे। तो आप कोई सा भी शेप में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन टाइपो का जो शेप है वो थोड़ा सा बड़ा ही होता है, तो हम बड़ा ही लोई इसका तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम सभी लोई को रेडी कर लेंगे और यहाँ बनाना स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो हमने जो लोई हमने तैयार किया है उसको हम गोल पेड़े की तरह हम बनाकर एक साइड कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसको आप इस तरीके से आप गोल बनाकर रेडी कर लीजिए। तो सभी लोई को हमने इस तरीके से गोल में बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसको हम डाल देंगे एक बोल में, और उसको हम ढक के रखना है हमें,
तो एक बोल में हम डाल देंगे उसी बोल में जिसमें हमने आटा तैयार किया है। तो पहले तो हम एक लोई ले लेंगे और इसकी हम तैयारी करेंगे। पहला हम टाइफो रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सूखा मैदा डाल दिया है और इसको हम लेंगे और इसको हल्का सा बेल लेंगे। तो करीब 4 से 5 इंच के करीब हम इसको बेल लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो किनारे जो है इसका हमें पतला रखना है और बीच में हल्का सा मोटा ही रखना है। जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे बेल कर रेडी कर लिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो किनारे है मैंने पतला रखा है और बीच में हल्का सा मोटा होना चाहिए। तो अब चलिए हम टाइफो बन रेडी करते हैं बनाना। तो इसके अंदर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कीमा डाल देंगे। अगर आपको कीमा पसंद नहीं है तो आप इस जगह पर वेज भी बना सकते हैं। वेज वाला भी बहुत ही अच्छा बनता है टाइफो बन। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसके अंदर कीमा। आप जैसे कि देख रहे हैं किनारे में मैंने यहाँ पे किनारे छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आप उंगली की मदद से यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। तो बहुत ही आसानी है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आप बनाते बनाते आपको आ जाएगा बनाना। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। फटाफट मोड़ लीजिए इस तरीके से, और बस आप मोड़ने के बाद इस तरीके से जो है हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे अंदर की तरफ हम मोड़ लेंगे इस तरीके से, और बस हमारा जैसे देख रहे हैं कि शेप बन रहा है जो है टाइफो बन का। आप चाहे तो इसे बन भी बोल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको आप टाइफो बोल सकते हैं, या फिर मोमो का भी ये शेप लगता है। इस तरीके से मोमो भी बनाते हैं। तो बहुत सारे तरीके से बनते हैं। डिज़ाइन बनाने का लगभग सबका सेम ही है, लेकिन थोड़ा टेस्ट है, डिफरेंट है, अलग है। तो ज़रूर ट्राई करिए। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे मैंने जो है अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। टाइफो जो होता है थोड़ा सा बड़ा बनता है, लेकिन मैं यहाँ घर में थोड़ा सा मीडियम में बना रही हूँ। उतना बड़ा जो मार्केट में मिलता है उतना बड़ा तो मैं नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं बनकर रेडी है। इस तरीके से हम सभी टाइफो बन को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हमने लिया है, एक जाली लिया है और स्टीमर का है जाली। तो मैंने यहाँ पे पेपर डाल दिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे टाइफो बन डाल देंगे कि करके। तो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे 4 बन को यहाँ पे टाइफो बन रेडी कर लिया है और डाल देंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा हम गैपिंग करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा फूलेगा, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। और जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पानी लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे। तो मैं स्टीम कर रही हूँ राइस कुकर में। राइस कुकर में जाली होता है उसमें बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो मैंने पहले पानी डाल दिया है और इसके ऊपर हम डालकर ढक्कन डाल लगा देंगे और फिर स्टीम करेंगे। हम तो इंडियन हाउस वाइफ है, कहीं भी हम जुगाड़ लगा लेते हैं किसी चीज़ से भी। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे स्टीम हो रहा है। करीब मैंने यहाँ पे 45 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे हो चुका है टाइम जैसे कि देख रहे हैं। तो बस हमारा यहाँ पे टाइफो बन जो है बनकर रेडी हो गया है। और बस इसको गैस बंद करेंगे और हम इसे गर्मा गर्म इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप इसे रेडी करिए बहुत ही आसानी से अपने घरों में, क्योंकि बाहर जाकर खाना बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए आप आसानी से घर में बनाइए और एंजॉय करिए अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है और बहुत ही बढ़िया से बनकर रेडी हुआ है। तो आप सब भी बनाइए इसे, स्टीम कीमा टाइफो बन, एकदम हेल्दी और टेस्टी, बहुत ही कम खर्चों में घर में ही। और जैसे कि देख सकते हैं आप सब, बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम बन के जैसा ही है, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी। तो ट्राई करिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।